जुलूस उड़ने लगे, रंग लाई चाहत तेरी, कई शंख बजने लगे। तो शहर के सबसे बड़े प्लास्टिक सर्जन हो, आपकी सर्जरी से मेरा चेहरा खूबसूरत तो हो जाएगा ना, मेरी शादी तो हो जाएगी ना। दुनिया का वो कौन सा आंख वाला बेवकूफ इंसान होगा जो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेगा? कभी अपने हुलिये पे नजर डाली? आधे सर पे गंजेपन का रेगिस्तान है, आंख एक अड़ोस में देखती है दूसरी पड़ोस में देखती है, और नाक के नथरे इतने बड़े हैं कि दो मोटरसाइकिलें खड़े खड़े अंदर जा सकती हैं। चकल इतनी भयानक है कि लाना तक बरसने को तैयार नहीं है, और तुम एक शरीफ घराने की लड़की से 5 लाख रुपए जहेज में मांग रहे हो? अबे जहेज तो एक तरफ, तुम कफन देने के लायक नहीं हो। अब मुंह नीचे मत करना, मुंह काला करो, निकलो बाहर। डॉक्टर साहब, मेरी शक्ल का ऑपरेशन तो कर दीजिए। एक बार शराफत से समझा दिया समझता नहीं है बेटा? ऑपरेशन करके इतना भयानक बना दूंगा कि कोई अंधा जानवर भी अपनी बेटी तुझे नहीं देगा। करूं तेरा ऑपरेशन? चल। अरे मुझसे ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत आपको है? अपनी शक्ल देखिए। मीना, मीना अब तो मुस्कुरा दो। कल 4 महीने बाद हमारा बेटा विजय अमेरिका से वापस आ रहा है। जब से वो गए तुम्हारा चेहरा तो हंसना ही भूल गया। आप तो उसके बाप हैं, मगर औलाद की जुदाई का गम क्या होता है ये आपको रत्ते भर भी नहीं मालूम। अरे किस बात का गम बाबा, तुम्हारा बेटा सिर्फ 4 महीने के लिए अमेरिका गया है, वो भी पढ़ने के लिए, और तुमने हम लोगों की हालत ऐसी बना दी जैसे फांसी पे चढ़ने वाले कैदी। आंखें सूजी हुई, चेहरा उतरा हुआ, नाक पे गुस्सा रखा हुआ, खाना जला हुआ। अरे क्या है क्या यार? डैडी, 4 महीने तो फिर भी बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा अगर अपनी माँ से 2 दिन के लिए भी दूर हो जाए ना, तो माँ की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं क्या खाता पीता होगा, कौन उसका ख्याल रखता होगा, रात को सोते वक्त उसके सर पे तेल कौन लगाता होगा। देवी जी, हमारा बेटा अमेरिका गया हुआ है, कोई जंगल वंगल नहीं गया हुआ है। ए गुरखा, कौन है? हाय डैड। हाय मॉम। हाय रॉब, ये तो मेरा विजय है। यो, देखो इसकी क्या हालत हो गई। मैंने कहा था ना इसको अमेरिका मत भेजो, कहा था ना मैंने, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? मैंने पहले कहा था डैडी इसको वहाँ की हवा रात नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात तो किसी ने कभी नहीं सुनी ना। देखो इसकी
क्या हालत हो गई है, ये लंबे लंबे बाल, ये दीवानों जैसा हाल। विजय तू तो कल आने वाला था ना, एक दिन पहले कैसे आ गया? ए, हम हिप्पियों का हाल ना पूछो डैड, हमारी दुनिया में सब काम उल्टे होते हैं। 20 को निकलते हैं तो 19 को पहुंचते हैं, एग्जाम पहले देते हैं, पढ़ाई बाद में करते हैं, गिरते बाद में हैं, उठते पहले हैं, क्या करें? हाय राम, मेरा बेटा तो पागल हो गया है, दीवाना हो गया, अपने माँ बाप दोनों से बेगाना हो गया। अरे काहे का दीवाना, चार फटके मारूंगा सारा दीवानापन ठीक हो जाएगा और सियानापन निकल आएगा। तू देख अभी क्या है बे? क्या रे, क्या बोला तू? तुम हिप्पियों के सारे काम उल्टे होते हैं, एक पंच मारूंगा ना तो 32 ही पेट में उतर जाएगी। माँ पर इतना भी भरोसा नहीं? सारी जिंदगी आप लोगों ने मुझे जो संस्कार दिए वो मैं 4 महीने में भूल जाऊंगा? मां, मैं हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी रहूंगा। देखा, ये मेरा बेटा है और इसके जो संस्कार है ना वो फौलाद से ज्यादा मजबूत है। मैं ना कहती थी ये चाहे लंदन में रहे या अमेरिका। अच्छा। में अपनी माँ की शिक्षा को नहीं भूल सकता है ना? अच्छा, तेरे बच्चे के संस्कार फौलाद के हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मोम के भी नहीं थे, सारा इल्जाम हम पे डाल रही थी कि मेरे सपने टूट गए, मेरे अरमाने को क्या है बर्तन टूट गए, मालूम है कभी? चल ये ले। बस करो मम्मी, तुम क्या पिछले 4 महीने का खाना आज ही खिला रही हो? तू चुप करके खा, अमेरिका में पता नहीं क्या रूखा सूखा खाता होगा। अमेरिका का खाना सारी दुनिया में मशहूर है। भूखों की दुनिया में मशहूर होगा, वहाँ के सूखे सैंडविच और रूखे बर्गर, इसके सिवा वहाँ पे रखा ही क्या? अरे आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या है, दांतों में ताकत नहीं है ना, वरना ये प्लेट खा के पेट भर लेते। क्यों प्लेट क्यों खाएंगे आप? अजी अगर प्लेट में खाना ना हो तो प्लेट ही खाना पड़ेगा ना। मैंने आप लोगों के प्लेट में खाना नहीं डाला। अजी घास नहीं डाली, एक नजर नहीं डाली, खाना डालना तो बहुत दूर की बात है। I'm so sorry, मेरा ध्यान कहीं और था। जाहिर बात है, बेटा आ गया तो ध्यान कहीं और जा भी कहीं से सकता है। अरे तू कहाँ जा रहा है? बहुत नींद आ रही है, मैं चलता। खाना तो खा ले। Good night. ये भी बिल्कुल। अजय क्या हुआ? पिताजी मेरा ख्याल है कि विजय को अब वो सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं, मीना कब तक छुपा कर रखेंगे, और किसी रोज उसे किसी और के मुंह से सच्चाई का पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। और तुमने ये बात सोची है कि अगर तुमने विजय को सच्चाई बता दी और उसे ये बात बर्दाश्त ना हुई तो तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने विजय को सच्चाई बताई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अजय सब्र करो बेटा, वो बात उस वक्त भी हमारे बस में नहीं थी, आज भी हमारे बस में नहीं है, और जिस उलझन और परेशानी पर इंसान का जोर न चलता हो उसको कुदरत के हवाले कर देना चाहिए बस। ये क्या अमेरिका चलाया? नहीं यार, ये हिंदुस्तानी दिल वाले मेरे नाना जी ने मुझे दिया है। काश हमारा भी कोई दादा नाना मामा चाचा ऐसा ही दिल वाला होता। लेकिन तेरा अमेरिका का सफर कैसा रहा, कोई मेम वेम पटाई कि नहीं? क्या बताऊँ, अपना दिल वहाँ पर भी नहीं धड़का। अरे तू कब तक अपने दिल को शोरूम में रखेगा? कब और कहाँ कौन नसीब वाली तेरे दिल में एंट्री लगी? चीड़ी की दुक्की, ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का?
नया दाखिला है, जब से आई है कॉलेज रोज आने को दिल करता है। अच्छा, सुना है करंट मारती है। अच्छा, किसी रईस खानदान की बगिया की हरी मिर्च है। अच्छा, बिना पगार लिए बॉडीगार्ड इसके आसपास घूमता है। अच्छा, इसे गुड मॉर्निंग कहो तो घूरती है। किस क्लास में है ये? FIBA, पर अभी ऊपर हॉल में डांस शो की प्रैक्टिस करने गई है। ये सब क्या हो रहा है, है? गुड मॉर्निंग क्रीप। वाह चिड़ी की तुक्की।
इस्तेमाल कर दिया। सुन बे, आइंदा ना तो कभी मधु से बात करना, ना ही उसकी तरफ नजर उठाकर देखना, क्योंकि इस दुनिया में अगर यह हक किसी को हासिल है तो वो सिर्फ मुझे है। समझ गया ना? नमस्ते मैम साहब। शट अप। रिलैक्स मधु, रिलैक्स। उस बदतमीज लड़के के लिए यू डोंट गेट चेंज। उस बदतमीज को ठीक किए बगैर तो मैं रिलैक्स हो ही नहीं सकती। अरे उसको तो मैं मजा चखाने वाला था लेकिन साला डर के भाग गया। रिलैक्स। उसे तो मैं देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। मधु बेटे, किस पे गुस्सा किए जा रही है तू? एक लड़का है कॉलेज में आंटी, मेरा प्रोग्राम फेल करने की कोशिश कर रहा था, काफी बदतमीजी कर रहा था। कोई बेहुदा हरकत तो नहीं की उसने? अरे वो क्या बेहुदा हरकत करेगा, छोड़ती क्या मैं फिर उसे? बस प्रोग्राम खराब करने की कोशिश कर रहा था। अरे इतनी सी बात पे गुस्सा करने की क्या बात है, चल खाना खा ले। बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। अरे पर उसका गुस्सा खाने पे क्यों उतारती है? लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इसीलिए तो आए दिन कहती हूँ तेरे कॉलेज के प्रोग्राम डांस वांस मुझे जरा भी पसंद नहीं है, इनसे दूरी रहा कर। और फिर लड़की जात के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, पर तू है के मानती ही नहीं। ओहो आंटी, आप तो मेरे से भी 10 कदम आगे हैं, फौरन राय का पहाड़ बना देती है। अरे इतनी भी कोई सीरियस बात नहीं हुई थी। और फिर किसकी मजाल है जो आपकी बेटी के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करे? गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप लोग इस तरफ फ्रीज होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या जो लड़का कभी एक बटन लगाना नहीं भूलता, आज पैंट पहनना भूल गया, इसका मतलब दाल में बहुत ज्यादा काला है। विजय, दादू एक मिनट, मैं पैंट पहन रहा हूं। वे मेरे सामने नंगा घूमता था, तेरी चड्डियां मैं बदलता था, पैंट पहनना मैंने सिखाया और मुझसे शर्मा रहा है क्या? बड़ू क्या बात, आज बिना पैंट के कॉलेज जा रहा था? क्या है ना दद्दू, आज कॉलेज जाने में देर हो रही थी तो इसी गड़बड़ में पैंट पहनना ही भूल गया। हाँ जी। सुना लड़की का नाम क्या है? लड़की? कौन सी लड़की? बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं 4 मरतबा बिना पैंट के कॉलेज पहुंच गया था। क्या बात करते हैं? चड्डी और बनियान में, और सारा कॉलेज चिल्लाने लगा नंगे मामा हाय हाय, नंगे मामा हाय हाय। मत आली, लड़की का नाम क्या है? फिर दद्दू। दो एक मधु। मधु कहाँ मिली थी बोला? वो क्या है ना दद्दू, आपकी बाइक मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, उसी के कारण एक लड़की से इंट्रोडक्शन हो गया। चलो इसी बहाने मेरा तोहफा तेरे किसी काम तो आया, बाइक पे बिठाया कि नहीं उसको? बहुत भड़कू लड़की है दद्दू। अरे यार नहीं, नाक पे चूल्हा लेकर घूमती है। अरे मैं ऐसा गुर सिखाऊंगा कि उसके नाक का चूल्हा फ्रिज बन जाएगा। नहीं नहीं, इस लड़की के साथ नहीं, मैं बोल रहा हूँ दद्दू इम्पॉसिबल, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो, वो तो करना ही पड़ता है, मेहनत करो उसके बाद सबर करो, और फिर सबर का फल मीठा होता है। सबर का फल कहाँ मीठा होता है आजकल दद्दू, सबर का फल फीका होता है, फीका। आप कैसे कार चलाती हैं? आपने मेरी साइकिल का क्या हाल कर दिया देखा? शट अप, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये लो नई साइकिल खरीद लेना, और हाँ अगर कुछ पैसे बचे तो कीप द चेंज। ये उसका कसूर नहीं है, उसके बाप की दौलत का कसूर है। जब जेब में दौलत बढ़ जाती है ना तो जबान काबू से निकल जाती है। तुम लेट क्यों है क्लास में? सर क्या है कि मैं साइकिल पे कॉलेज आता हूँ, आज भी आ रहा था लेकिन एक घमंडी बदतमीज लड़की ने मेरी साइकिल को ठोकर मार दी, टुकड़े कर दिए, उसी कारण पैदल आना पड़ा और देर हो गई। दरअसल क्या है ना सर कि जब बड़े बाप की बेटियां गाड़ी में बैठती है तो समझती है कि सड़क की हर चीज उनके चाचे की प्रॉपर्टी होती है।
कुचल कर निकल जाती है और माथे पे बल तक नहीं आता। सर, इसमें उस लड़की का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि लड़कों के चेहरे पर आंखें तो हैं, लेकिन उन्हें उनका इस्तेमाल करने नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ चलना चाहिए, कहाँ साइकिल चलानी चाहिए। मगर लड़कियों को कॉलेज में तेजी से गाड़ी लाने की क्या जरूरत है, और लड़कों को अंधे बैल की तरह कहीं भी साइकिल खड़े करने की क्या जरूरत है। लड़कियां आजकल वो काम करने लगी है जो करने की उनकी औकात ही नहीं है। लड़कियां वो काम कर सकती है जिन्हें करने की इन मर्दों की औकात नहीं है। अभी लड़कों की बराबरी करने के लिए लड़कियों को शायद 100 जन्म लेने पड़ेंगे। बर्तन धोने के साबुन से अपनी अकल को मांझ कर आइए, क्योंकि लड़कियां आज के दौर में मर्दों से बहुत आगे निकलती जा रही। अच्छा, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं? लड़कियां कार चला सकती हैं, लड़कियां सरकार चला सकती हैं, लड़कियां घर बार बना सकती हैं, लड़कियां सुखी संसार बना सकती हैं, लड़कियां मर्दों को बेकार बना सकती हैं। कमाल है, मर्द होकर भी कहता है कि मर्दों को बेकार बना सकती है। लानत है तेरे ऊपर। अरे मर्दों के बगैर संसार की गाड़ी चल नहीं सकती, मर्दों के बगैर औरत जात कभी जी नहीं सकती। औरत खाना पका सकती है, माँ बन सकती है, मगर बाप नहीं बन सकती। तो रवि, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम देखना, इस कॉलेज से मैंने अगर उसे नहीं निकलवाना तो मेरा नाम मधुनी। देख लेंगे उसे। ये क्या? मैं जानता हूँ ये शरारत किसकी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किसकी बात कर रही है तू? किसको नहीं छोड़ेगी? ए, जबान संभाल कर बात कर। किसको बोल रहा है नहीं छोड़ेगी? तुझे बोल रहा हूँ। लड़कियों के ग्रुप में लहरा लहरा कर आवाज लगा रहा था, इसलिए तू आज से छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगी हो गई। ए, तुम मुझसे बात करो। मैं तो मर रहा था आपसे बात करने के लिए। फरमाइए, कहाँ से शुरू करो? शट अप। किसने की है यार कत? अच्छा, इतनी गर्मी। चल बेटा, बोल यार, बोल इसको कि ये काम तूने किया है। हाँ हाँ, ये काम मैंने किया है। और बोल इसको कि ये मैंने तुमसे बदला ले लिया है। तुमने मेरी साइकिल तोड़ी तो मैंने तुम्हारी गाड़ी लंगड़ी कर दी। मैंने तुमसे बदला लिया है, तुमने मेरी साइकिल तोड़ी, मैंने तुम्हारी कार लंगड़ी कर दी। अब बोल, इससे जाकर नया टायर खरीद ले। इससे जाकर नया टायर खरीद ले। और बाकी जो पैसे बचे, कीप द चेंज। और बाकी जो पैसे बचे, कीप द चेंज। मैं इसका मजा चखा कर रहूंगी तुम्हें, और मैं उस मजे का बेचैनी से इंतजार करूंगा। नहीं, क्या कर रही हो तुम? बीच मेरी मधु लग गया। अरे क्या हुआ मधु बेटी? अरे तू गुस्से में क्यों है? हाँ, उस लड़के ने आज फिर मेरे साथ छेड़खानी की। उसने क्लास में मेरे साथ हुज्जत की और फिर मेरे गाड़ी का टायर निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो तेरी गाड़ी का टायर कैसे निकाल सकता है? मैं तेरे साथ कल कॉलेज चलूंगी, देखती हूँ कि वो। मधु, कहीं तूने तो कुछ नहीं किया ना? हाँ? देखो, मैं वो खाली खाली क्या खाली? मैं कार तेजी से कॉलेज में चला के लेके गई थी और एक लड़की की साइकिल मेरे कार के नीचे आ गई। अब समझी, तो पहल तूने की। करना पड़ा था। तू उसका दिमाग चौथे आसमान से भी चार आसमान ऊपर है। अरे तो दिमाग नीचे लाने के लिए क्या नीचे से टायर निकालना जरूरी है? लोगों के सामने उसको बेइज्जत करना जरूरी है? गलत बात है। ऐसे तुम लोग करीब नहीं आ सकते, उल्टा तुम लोगों में दूरी बढ़ जाएगी। नहीं दद्दू, मेरा ख्याल है उसे आज नहीं तो कल मेरा स्टाइल जरूर पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। किस उल्लू के पट्टे ने तुझसे कहा कि लोहे को लोहा काटता है? फिल्मी डायलॉग सुन के आता है, मुझे सुनाता है। अरे लोहे को फौलाद काटता है। हाँ तो दद्दू, ये कोई फौलाद से कम है। दद्दू, मेरी अदा उसको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि बाकी सब उसकी चमचागिरी करते हैं। मेरी तरह मुंह तोड़ जवाब देने वाला उसे पहली बार मिला होगा। हाँ, तेरी ये बात कुछ सही भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि भड़की हुई लड़कियां भड़के हुए लड़कों से मिलकर अपना भड़कना भूल जाती है, और ये कभी कभी होता है। अरे आज इसकी गाड़ी इतनी धीरे क्यों आ रही है? लगता है बीमार है इसीलिए धीरे धीरे आ रही है। अरे रमेश, हाँ? मैडम की गाड़ी की रफ्तार कुछ कंट्रोल में है आज। हाँ यार, कमाल है।
सॉरी मिस्टर रमेश, मैं अपने कल के बर्ताव से बेहद शर्मिंदा हूँ। अगर आप ये साइकिल रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। वैसा ही हुआ ना, तूने साइकिल लौटा दी, उसने टायर लौटा दिया, अरे माफी तक मांग ली। इसका मतलब ये है कि अब वो हमारे जाल में फंसने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करती जा। तो क्या करूँ अब? तू एक काम कर, उस लड़के के नाम एक प्यार भरा लव लेटर लिख। क्या? हाँ, फंसाने के लिए ये चाल बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, अब ही लिखती हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं, मैं लिखूंगी। आप? हाँ, देख अगर तेरी हैंडराइटिंग होगी तो कल को तू फंस सकती है ना। और अगर मेरी हैंडराइटिंग होगी तो तेरे फंसने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है ना। आंटी आंटी, आई आई आई, यही है वो लड़का। सुनिए, आप ही का नाम विजय है? हाँ जी, क्यों? जी मुझे मधु ने भेजा है, उसने ये चिट्ठी भेजी है आपके नाम। वैसे तो वो खुद ही आना चाहती थी मगर शर्मिंदगी के मारे ना आ सकी, सो मुझे भेज दिया। मगर आपको कैसे पता चला कि मैं ही विजय हूँ? मधु ने बताया, मेरा मतलब है मधु ने मुझे बताया था कि कॉलेज में जो सबसे हैंडसम लड़का होगा वही विजय होगा। अब देखो ना, 2 घंटे से 200 लड़के देख चुकी हूँ लेकिन उनमें सबसे हैंडसम तुम नजर आए। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलूं? जी। और अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है और तुम भी मुझे चाहते हो तो मेरे खत का जवाब जरूर दोगे, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी। देखा दद्दू, आप तो कह रहे थे कि मेरे बर्ताव से हम दोनों में दूरी बढ़ जाएगी लेकिन उसने खुद अपने हाथों से ये लेटर लेकर मेरे नाम भेज दिया। अरे ठीक है ना यार, इसमें इतना उछलने की क्या बात है, हर बड़े आदमी से गलती हो जाती है, हमसे भी हो गई। तो एक काम कर, अब तू इसको इससे भी ज्यादा मोहब्बत भरा खत और मोहब्बत की शहद में डूबा हुआ खत लिख के भेज। लेकिन न तो मुझे आता नहीं, मैंने कभी लव लेटर लिखा नहीं। अरे तू फिकर मत कर, अपनी जवानी में मैं ऐसे 50 खत लिख चुका हूँ। क्या बात करते हैं यार, मैं भी कभी तेरे जैसा था, जो लड़कियाँ मुझे खत लिखती थी तो मैं अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए उन्हें जवाब लिख दिया करता था। अबे क्या करता है, पिटवाएगा किसी ने सुन लिया तेरे साथ मेरी भी धुलाई हो जाएगी। एक काम कर, मैं लिखाता जाता हूँ, तू जवाब लिखता जा। बेस्ट स्टार्ट कुछ बहुत सॉलिड होना चाहिए। हाँ एकदम, हाँ मतलब, अरे एकदम ब्लास्ट, मेरी प्राण प्रिय। जी 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 जी, तो लग रहा है जैसे जैसे आप मुझे महाभारत से कोई डायलॉग लिखवा रहे हैं। महाभारत? हाँ। इतना पुराना होना चाहिए। जानू। प्रिंसिपल जानू। लिखू? लिख 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 लिख। अरे जानू क्या स्टार्ट है यार, जानू मैं मर जाऊं अगर तेरी बात न मानूं, ये तो शेर हो गया, लिखना। लिख। विजय का बच्चा है कहाँ? यही है वो लड़की। ये? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम मधु है ना? जी। मैं वो विजय का दद्दू हूँ, ग्रैंडफादर। अरे मैं वहाँ हूँ। हाँ प्लीज जी। क्या है कि
विजय बहुत शर्मीला है। किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकता। मैं बैठू ना जी? प्लीज प्लीज। सॉरी जी। नहीं बैठिए ना प्लीज। अच्छा मैं समझा उठ जाओ। तो वो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर उसमें कहने की हिम्मत नहीं थी, तो अपने मन के विचार और ख्यालात इस कागज पर लिख के तुम्हारे पास भेजा है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही मधु? वो क्या है, उसने मुझे बताया कि कॉलेज में जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी वो मधु होगी। मैं 3 घंटे से कॉलेज में अजीब अजीब चेहरे देख रहा हूँ, जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा वाह ये वो हीरा है जिसे मेरे पोते ने पसंद किया है। तुम्हारे लिए चलता हूँ। Today, let's study the art of understanding other people. The lesson is of friendship, love, and faith in one another. Friendship means give and take without any favors. Love means caring for each other under all circumstances. Faith means real blind faith without any doubt, sir. क्या है? विजय को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। विजय, जाइए। मिस्टर विजय, तुम कॉलेज में पढ़ाई करने आते हो या ये बेहूदगियां करने? मैं समझा नहीं सर। मधु को ये खत तुमने लिखा है? जी हाँ। क्यों लिखा है, क्या समझ कर लिखा है? हाँ, ये कॉलेज है या लोफरों का अड्डा? सर पहल मधु ने की थी, पहले उसने खत लिखा, मैंने तो सिर्फ उसका जवाब दिया। तो पहले खत मधु ने लिखा? जी। जरा दिखाओ तो। दिखाओ। खुद देख लीजिए सर, और ये खत इन्होंने लाकर दिया था मुझे। क्या, मैंने लाकर दिया था? मैंने? क्या बात करते हो प्रिंसिपल साहब, मैं इस लड़के को जानती तक नहीं, आज यहाँ पहली बार मिली हूँ बस, और ये कहता है कि मैंने। तौबा तौबा, आजकल के लड़के। क्यों बोल रही हो, आपने कल मुझे कॉलेज में ये खत लाकर नहीं दिया था? प्रिंसिपल साहब इसे मना कीजिए वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखाऊंगी। सर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम चुप करते हो या नहीं? मैं आर कम इन सर। यस कम इन। सर जिस दिन से मैं इस कॉलेज में आई हूँ ये आते जाते मुझे छेड़ता रहता है, इसने मेरा इस कॉलेज में जीना मुश्किल कर दिया सर। पर बेटी इसका कहना है कि ये खत तुमने इसे लिखा है? मैंने लिखा? सर ये सच नहीं है सर। सर ये आप मेरी किताब देख लीजिए, इसमें हैंडराइटिंग देखिए मैं मेरी, और इस खत की हैंडराइटिंग देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा सर कि क्या सच है क्या झूठ। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। विजय तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, ये मधु की हैंडराइटिंग है ही नहीं। प्रिंसिपल साहब अगर ऐसे लड़के कॉलेज में रहेंगे तो शरीफ घर के तमाम लड़कियों को इस कॉलेज से अपना नाम कटवा देना पड़ेगा। आप ही सोचिए, हमारी लड़कियां इसलिए तो कॉलेज नहीं आती कि गुंडे बदमाश उनका जीना हराम करते, उन्हें छेड़े, और फिर कौन कह सकता है, आज सिर्फ जबान से छेड़ते हैं कल अगर हाथ पकड़ लिया तो। मिस्टर विजय आई एम एक्सट्रीमली अशेम्ड ऑफ यू, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसा लड़का मेरे कॉलेज में पढ़ता है, इसलिए कल तुम अपने पिता को लेकर मेरे पास आओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल के कल तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। नाउ गेट आउट। अब आप ही बोलो ददू मैं क्या करूं, प्रिंसिपल साहब तो जिद पे आ रहे हैं कि मैं अपने पिताजी को बुलाकर लाऊं, अगर पिताजी को इस बात का पता चला तो पिटाई भी करेंगे और घर से बाहर भी निकाल देंगे। आइडिया। जी फरमाइए। अजी क्या फरमाइए, यूं कहिए कि बड़ी मियां शर्माइए। मैंने आपको पहचाना नहीं भाई साहब। कैसे पहचानती, मैं उस बदबख्त बेहुदा और बदतमीज लड़के का बाप हूं जिसे लोग विजय कहते हैं। विजय
मधु बेटिया का दिल तोड़ा है। वैसे मधु बेटिया है कहाँ? मधु बेटी, बेटी मधु। मैं मधु हूँ, आपको क्या काम है? पिताजी हैं विजय के। मत लो उसका नाम। अरे विजय तो वो होते हैं जिनकी जय होती है, ये तो पराजय है। अपने बाप के नाम पे कलंक है। कितना बदनसीब हूं मैं, कितना भागा हूं। अंकल प्लीज, अंकल आप इस तरह मत रोइए। अंकल प्लीज। तू किस तरह रोए बेटी? बेटी तेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो विजय को माफ कर दिया, लेकिन तुम उसे कभी माफ मत करना। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई तू जैसी बच्ची को लव लेटर लिखने की? हाँ अरे सजा तो मैं उसे दूंगा। जिस हाथ से उसने तुझे लव लेटर लिखा ना, उसी हाथ की उंगलियों को काट कर उनका हाथ बढ़ा के तेरे इस खूबसूरत गले में पिलाऊंगा। यू आर राइट अंकल, आप उसे समझा दीजिए अगर उसने दोबारा ऐसी कोई लफंगे लोफर गंदी हरकतें करता है। लेकिन मैंने कैसी भोली भाली लड़की को लव लेटर लिखता है? अरे लेकिन मैं क्या तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा खून पी जाऊंगा, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये मेरा बेटा है। ओह माय गॉड, आपका विजय नहीं। क्या कहा आपने? मेरा बेटा है। माँ मुझे माफ कर दो। क्या हो गया कि जब से विजय ने ये हरकत की है मुझे हर नौजवान की शक्ल में अपने बेटे की शक्ल नजर आने लगी है? मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। क्या करूं, जब तक मधु उसे माफ नहीं करेगी तब तक मेरे दिल में आग सुलगती रहेगी और विजय की शक्ल हर शक्ल में दिखती रहेगी। मधु बेटी जल्दी से बोल दे के माफ कर दिया, वरना ये बुड्ढा मेरे रवि की हालत कर दिया। मैंने सब का माफ कर दिया। माफ कर दिया? सच माफ कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना कोमल है तुम्हारा दिल भाई साहब। बेटी तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही दयालु हो। अरे भाई साहब। जी हाँ भाई साहब, बहुत दयालु है हमारी बेटी। आप जाइए, आप आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कैसे हो सकती है ठीक? बेटी ने दिल दुखाया और मधु ने उस पर मरहम लगाया। मैं उसे एक बार बस अंकल, अब जाइए। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटे। बेटे तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे नहीं माँ, वो मुझे थोड़ी मार रहे थे, वो तो अपने बेटे विजय को मार रहे थे माँ। लेकिन आंटी मेरी तो जान ही निकल गई थी। आंटी जरा सोचो, आंटी जरा सोचो, अब तो पड़ेगी विजय के बच्चे तो अब पड़ेगी विजय के बच्चे। अगर हेड सॉफ्टी हो मधु, ये लव लेटर का क्या चक्कर चलाया तुमने? लेकिन बेटे ये सारा चक्कर मैंने नहीं, मेरी द ग्रेट आंटी ने चलाया है। मम्मी क्या चाल चली, मतलब आइडिया भी आप ही का था और हैंडराइटिंग भी आप ही की। वाह मम्मी वाह, बन गए आप तो। अब पड़ेगी विजय के बच्चे का। ततु ततु मिल गया, चोर मिल गया, खच्चे से लिखा था उसका पता चल गया। क्या बात करता? किसने लिखा? मधु की गवर्नेंस ने। ये आइडिया भी उसी का था और हैंडराइटिंग भी उसी की थी। क्या बात करता है यार? हाँ अभी अभी अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ ततु। काश मेरे पास उस वक्त एक टेप रिकॉर्डर होता ना, दद्दू उसकी सारी बातें टेप कर लेता मैं। अरे बेटा जब घी न निकलता हो तब उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, जब घी निकलता हो तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। समझ ले तेरे पास टेप रिकॉर्डर था और तूने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली है। हेलो हेलो, मैं मधु की केयर टेकर शांति जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ बोल रही हूँ। बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज सुनकर, मुद्दतों बाद किसी के दिमाग से दिमाग टकराने का मौका मिल गया। क्या मतलब? मतलब ये शांति जी कि जैसे मधु के पीछे आपका दिमाग काम करता है उसी तरह विजय के पीछे मेरा दिमाग काम करता है। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहता था कि वो लव लेटर आपने अपने मुबारक हाथों से लिखा था ना? जी 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास ठोस सबूत हैं इस बात के। नहीं नहीं मैं मानती ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं मानती ही नहीं। ये तो नहीं मान रही यार। ठीक है तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास सारे सबूत लेकर आऊंगा, आपको भी बुलाकर वहीं आपसे खत लिखवाऊंगा और सबके सामने पोल खुल जाएगी।
नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। नहीं आएगी कैसे? नहीं पुलिस लेकर आएगी आपको। क्या पुलिस? मतलब पुलिस? वो विजय का फोन है, उसे पता चल गया है कि वो खत मैंने लिखा था। कल सारे सबूत लेके प्रिंसिपल के पास जा रहा है। मधु बेटी मैं तो मर जाऊंगी। हेलो क्या बात है? ओह तो आप भी आ गई मधु जी। मधु जी आज सुबह लव लेटर के बारे में जो रवि से आप बातें कर रही थी ना, वो मैंने सब रिकॉर्ड कर ली। और वो कस है कल सुबह प्रिंसिपल साहब के पास जाएगी। देखिए विजय जी, अब इतनी सी छोटी सी बात का इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कैसे प्रिंसिपल को मत भेजना प्लीज। अच्छी बात है। देखो अगर तुम्हें वो कसर चाहिए तो ठीक 11 बजे कल लवर्स पॉइंट पे मुझसे मिलने आना। और सुन अकेली आना। वो मुझे लवर्स पॉइंट पे बुला रहा है अकेली। देख बेटी जब दुश्मन हावी हो जाए ना तो उसके सामने घुटने टेक देने में ही अकलमंदी है। इस वक्त वो जो कहता है तू हाँ बोल, हाँ बोल। हेलो ठीक है मैं आ जाऊंगी। हेलो मगर याद रहे अकेली। हाँ हाँ बिल्कुल अकेली। हाय चिकनी। ले लो ले लो। शट अप।
तो कोई तोड़ न पाए, जोड़े तो कोई जोड़ न पाए। दिल की जरूरत बन जाती है आए, छोटी सी एक बात किसी की भर के मोहब्बत बन जाती है। दिल भर की सादा सी सूरत दिल की जरूरत बन जाती है। अरे कैसेट तो मिल गई। पूछ मत, कल से मैं इतना घबरा रही थी कि मैं एक मिनट आंटी, पहले देख रहे तो सही मेरे साथ रवि की ऐसी कौन सी आवाज टेप की थी उसने। एक मिनट, चल चल। मधु, ये मेरी आवाज है। मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था कि मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। असल में वो तुम तक पहुंचने का, तुम्हें अपने करीब लाने का महज एक नाटक था। मगर अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो नाटक नहीं है बल्कि सच्चाई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू माधु। अरे हाँ बाबा, सुन लिया, तूने गुंडों को मार के भगा दिया, प्यार भरा गाना भी गा लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद दद्दू दुश्मनी खत्म, प्यार और दोस्ती शुरू। क्या बात कर, आजकल के लड़का लड़की तो बड़े तेज हो गए। हमारे जमाने में लड़का लड़की को बात करने में जितना टाइम लगता था, उतनी देर में तो आजकल के बच्चे चार चार बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं यार। ये सब छोड़ो ना दद्दू, अभी जो असल और मुश्किल काम है वो आपको करना है। कौन सा मुश्किल काम? फिर वो प्रिंसिपल के पास जाना, मैं नहीं जाने वाला। अरे नहीं दद्दू, मम्मी डैडी को पटाना है ना।
ओ मम्मी डैडी। अबे मम्मी डैडी होंगे तेरे, मेरे तो वो बच्चे हैं, उनको चुटकी मार के पटा लूंगा, और अगर चुटकी से नहीं पटे तो दम। मेरे तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं उनको तो दिन भर बैठ के आप बच्चों को सिर्फ उल्टी ही बातें सिखाया कीजिए। नहीं बेटा, इसको तो मैं दिन भर शराफत की बातें सिखाते रहता हूँ, क्यों है कि नहीं? नहीं देखा, हाँ बोल रहा है। और आपने क्या कहा, आप हमें पटाएंगे? हमें? आप हमें जिंदगी में नहीं पटा सकते, क्योंकि हम तो पहले से ही पटे हुए हैं। क्या? हाँ बेटे, हमने तुम्हारी बातें सुन ली, लेकिन ये तो बताओ कि लड़की कौन है, उसकी माँ कौन है और उसके पिता कौन है? नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते डैडी। अरे रवि बेटे कैसे हो? आओ आओ आओ। नमस्ते मालिक। नमस्ते शांति जी, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। और बेटी कैसे चल रही है पढ़ाई आजकल? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। गुड। और कॉलेज में कोई गड़बड़ तो नहीं? जी गड़बड़ नहीं, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि कॉलेज में आजकल लड़के लड़कियाँ पढ़ाई कम लड़ाई ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं डैडी, हमारा कॉलेज तो एकदम ही डिसिप्लिन है, वहाँ ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं होती। गुड गुड। मालिक हमारी बच्ची तो वक्त पे कॉलेज जाती है और सही वक्त पे घर आ जाती है, इसके लिए तो सिर्फ कॉलेज पढ़ाई और घर बस। एक बात कहूँ शांति जी, ये डिसिप्लिन इस घर में सिर्फ आपके कारण है, बचपन से लेकर आज तक आपने जो इसकी परवरिश की है ये सब उसी का नतीजा है, मैं इसके लिए जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा। एहसान तो आपने किया है मालिक, मेहरबानी की है हम पर कि हम माँ बेटे को घर में रखा, नौकरों जैसा सुलूक नहीं किया, बल्कि हमें अपने परिवार का सदस्य समझा। हमारी एक आदत है शांति जी, हम अच्छे इंसानों की हमेशा कदर करते हैं और बुरे इंसानों को हम कभी माफ नहीं करते। मीना क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे विजय को किसी ने सब कुछ बता दिया है, वो राज जो हमने परसों अपने अंदर छिपाए रखा था किसी ने उसे बता दिया है और वो ये सह नहीं पाया। बस मीना बस, सच पूछो तो यही डर मुझे भी परेशान करता रहता है कि कहीं कहीं विजय को असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा। मधु अगली तो पीरियड ऑफ है, यहां क्या कर रही हो, चलो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। Never try to touch me again. तुम्हारे उस कैसेट की धमकी से मैं घबरा गई थी, प्रिंसिपल से जाके मेरी कंप्लेन ना कर दो इसलिए तुमसे प्यार का नाटक किया था, और वो गुंडे जिन्हें मारकर तुमने मेरी इज्जत बचाई थी और अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझ रहे थे वो भी मेरे ही भाड़े के टट्टू थे। आइंदा अगर मेरी तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। जो कहा उसका एक एक शब्द सच्चा है। उस हरामजादे की ये हिम्मत किस साले ने मेरी बेटी के साथ ऐसी? यस अंकल, आज उसने हरकत कॉलेज की भरी कैंटीन में की, और अंकल
वो बहुत दिनों से मधु के पीछे पड़ा हुआ, जब भी देखो उसे छेड़ते रहता है। तो तुम क्या करते हो कॉलेज में? मैं क्या कर सकता हूँ, वो लड़का मारामारी पे उतारू हो जाता है, एक नंबर का गुंडा किस्म का लड़का है वो। ठीक है, मैंने ऐसे गुंडे जिंदगी में बहुत ठीक किए हैं। तुम उस लड़के को जानते हो? मैं उस हरामजादे को अभी और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? ये गाड़ियाँ यहाँ तक कैसे आ गई? कॉलेज की सिक्योरिटी क्या कर रही है यार, क्या मजाक बना रखा है, आखिर कौन है ये लोग? अंकल यही वो लड़का है। के पिता हैं। हेलो सर, ये तुमसे पूछने आए कि तुमने भरी कॉलेज में मधु के साथ वो हरकत क्यों की? तुम बीच में दलाली क्यों कर रहे हो? ये मधु के पिताजी हैं, ये मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। रवि, शायद तुम्हें पता नहीं है तुमने किसकी बेटी के साथ ऐसी जलील हरकत की है, और ये भी अंदाजा नहीं कि ये हरकत तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी। देखिए सर, आप मधु के पिता हैं, तुम मेरे भी बुजुर्ग हैं। मैं आपसे अपनी दिल की सच्चाई साफ साफ बयान कर देता हूँ। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अब चाहे आप मुझे गोली मार दीजिए या मेरी जान ले लीजिए, मगर रिवॉल्वर के डर से मैं अपने प्यार से इनकार नहीं करूंगा। मधु, शांति जी, ये मेरी बेटी में अच्छे और बुरे इंसान को समझने की रत्ती भर की भी सलाहियत नहीं है। मैं अभी अभी विजय से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ, और मुझे तो बहुत अच्छा लड़का लगा हो, बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है उसमें। शांति जी, नहीं बेटी, उस लड़के को समझने में तुम मार खा के बिल्कुल हीरा हीरा सा, उसे कंकर समझ के ठुकरा मत देना वरना नुकसान भी रहोगे। जानती हो क्या हुआ? मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसके सीने पे रिवॉल्वर तान दिया, तो उसने क्या कहा पता? कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, जिंदगी भर करता रहूंगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे गोली मार दीजिए। अब बताइए, ऐसा बहादुर लड़का इस जमाने में मिल सकता है? मैं तो कहता हूँ बेटी, यही लड़का तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है, तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी विजय के साथ ही हो, बस। हरगिज नहीं डैडी, जिस लड़के ने मेरे साथ ऐसी बेहुदा हरकत की उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। शादी करना तो दूर की बात है। बेटी तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ डैडी, वो आपकी रिवॉल्वर से नहीं डरा तो आप उससे इम्प्रेस हो गए? वो बहुत चालाक है डैडी, जानता है कि आप इज्जतदार आदमी है, दिन दहाड़े किसी का खून तो नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ठंडा करने के लिए बोल दिया होगा कि आपकी बेटी से प्यार करता है। वो बड़ा नाटकबाज है डैडी, और ऐसे नाटकबाजों को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ, और इसीलिए उससे नफरत करती हूँ। शांति जी उसे समझाइए कि अपने बाप की बात मान ले, मेरे तजुर्बे की आंखों से देखे लड़का बहुत अच्छा है, कहीं अपनी जिद में वो अच्छे जीवन साथी को न कमा बैठे। जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मालिक। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है रवि कि इस घर में शराब मत पिया कर। तो फिर कहाँ पीऊं, बार में महंगी पड़ती है और तुम इतना पैसा देती नहीं हो। जितने पैसे मैं तुझे देती हूँ तू उसके लायक भी नहीं। माँ, मैं तुम्हारी इकलौती औलाद हूँ, मैं मानता हूँ तुमने जिंदगी भर बहुत मेहनत की, भूखे रह रहकर मेरा पेट भरा, शराफत और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाती आई, लेकिन अब आप खत्म कर दो इस फर्ज की ड्यूटी को और मेरी एक सलाह मान लो, मधु से मेरी शादी करा दो। माँ रवि, होश में तो है, औकात में रहकर बात कर। अरे काहे की औकात, जब मधु ही नहीं चाहती इस लड़के को तो तुम और उसका बाप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो विजय से शादी कर ले? अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, मैं, मुझ पर ध्यान दो, मेरी मधु से शादी करा दो और
और उसके बाद उसकी सारी जायदाद के मालिक हम हो जाएंगे माँ, हम। दोबारा ऐसी बात जबान पे लाए तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी औलाद है और मैं। ओहो रवि, बताओ ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें एक खास जगह ले जा रहा हूँ, बस चुपचाप तमाशा देखती जाओ। ये क्या है? आज फैसला करने के लिए मेरे आदमी इस हरामजादे को यहाँ उठा कर लाए हैं। इसके सामने बोल के तू उससे प्यार नहीं करता, बोल बोल, तू मधु से प्यार नहीं करता? मैं मधु के सामने, इसके पिता के सामने, सारी दुनिया के सामने कहूंगा कि मैं मधु से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बोल कि तू इससे प्यार नहीं करता, तू मारते मारते थक जाएगा साले, लेकिन मैं कहते कहते नहीं थकने वाला, मैं मधु से प्यार करता हूँ। तुम? हाँ, खबरदार अगर किसी ने से हाथ लगा। ये तुम कह रही हो? सॉरी विजय। नहीं, ये तो मेरे प्यार का इम्तिहान हो रहा था। मैं जानता था कि तुम्हारा गुस्सा और नफरत सिर्फ एक दिखावा है। तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार जरूर होगा मधु, और उस प्यार को तुम्हारे दिल से निकालकर तुम्हारी जबान पर लाने के लिए मैं मार खाता गया। तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा विजय इतना कमजोर नहीं है जो इनसे पिट जाए। ये तो मेरे उल्टे हाथ की खुराक है। नमूना दिखाओ। Thank you.
जो दिल चाहे कर नहीं पाऊं, जब तू बुलाए मैं तो आऊं। जो दिल चाहे कर नहीं पाऊं, जब तू बुलाए मैं तो आऊं। बन जाता है बहाना कोई, रह जाती है दूरी, जिसमें तेरी मर्जी है मेरी भी मंजूरी। मिल गई नजरें, मिल गए दो दिल, बात तो जब है आज हो के रहे अपना मिलन, आज हो के रहे अपना मिलन। जो भगवान ने मुझे तुझ जैसी बहू दी। एक मिनट रुक, मैं तुझे काजल लगा दूं, कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए। और ये मेरे दद्दू। जी तेरे बेटा, हम लोग तो पहले मिल चुके हैं। और मधु, ये मेरे पिताजी हैं। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अगर ये विजय के पिताजी हैं, तो फिर उस दिन जो घर आए थे वो कौन थे? मधु, चलो घर दिखाता हूँ। क्या है बेटा, मधु को लेकर खिसकना है तो घर दिखाने का बहाना बना रहा है? बेटा हो जाने दे तुम दोनों की शादी। मैं भी अगर कबाब में हड्डी बनकर 24 घंटे तुम लोगों के बीच में नहीं बैठा रहा, तो मेरा नाम भी बेशर्मों को शर्माने वाला डॉक्टर शर्मा नहीं। डैडी, डैडी। क्या बात है? अरे वाह वाह, साड़ी में रवि, ये मेरी बेटी है ना? डैडी आप भी। क्या बात है बेटिया, सट दच के। डैडी वो क्या? डैडी बता ना। डैडी आपने सही कहा था। डैडी, विजय को पहचानने में मेरी आंखें वाकई धोखा खा गई थी। आपने उसे सही पहचाना था डैडी। वो बहुत अच्छा है डैडी, और इसीलिए क्या मैंने उसे अपना
जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। देखा शांति जी, क्या कहा मेरी बेटी ने, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, पर मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ तो जा ही नहीं सकती। और शांति जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा, इतनी धूमधाम से कि एक काम करते शांति जी, सबसे पहले हम लड़के के माँ बाप से मिलकर शादी की तारीख तय कर लेते, ठीक है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जीते रहो नमस्ते, जीते रहो नमस्ते। आइए 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 ना। मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे विजय जैसा दामाद मिला। अरे भाई, खुश नसीब तो हम हैं जिन्हें बैठे बैठा इतनी खूबसूरत बहू मिल गई। अगले संडे मधु का बर्थडे, मैं चाहता हूँ कि उसी पार्टी में मंगनी की रस्म भी पूरी कर दी जाए, अगर आप लोग राजी हो तो। एक एतराज है। क्या? संडे बहुत दूर है, ये मंगनी कल ही हो सकती है। अब तक है पूरी आजादी, मंगनी हुई है, नहीं ये शादी, गल है कच्ची पक्की, जा चिड़ी की तुक्की। अब तक है पूरी आजादी, मंगनी हुई है नहीं ये शादी, कल है कच्ची पक्की, जा चिड़ी की दुक्की, जा चिड़ी की दुक्की, जा चिड़ी की दुक्की, जा चिड़ी की दुक्की।
गुस्सा गुस्सा छोड़ दे कुड़िए, मार ले मुझसे जप्पी, आ चिड़ी की दुखी, आ चिड़ी की दुखी। अब तक है पूरी आजादी, मंगनी हुई है नहीं ये शादी, गल है कच्ची पक्की, जा चिड़ी की दुखी, जा चिड़ी की दुखी, जा चिड़ी की दुखी, जा चिड़ी की दुखी। राम जी, बड़ी शानदार पार्टी रखी मंगनी की आपने। सोचता हूँ इसी गर्मा गर्मी में किसी पंडित को बुलाकर अगर शादी का भी मुहूर्त निकाल लिया जाए तो। शादी? किसकी शादी का मुहूर्त? सुखराम जी, मजाक बहुत अच्छा करते हैं आप। अरे, मधु और विजय की शादी और किसकी? विजय और मधु की शादी। लगता है यहाँ की मुफ्त की शराब और मुफ्त का खाना आपको हजम नहीं हुआ है, जो जागते में आप सपने देख रहे हैं। शादी? सुखराम जी, मंगनी हुई है तो शादी तो जरूर होगी ना। मंगनी? कौन सी मंगनी? हाँ, ये जिसकी पार्टी चल रही है। हाँ नहीं, ये तो एक दिखावा है, एक एक नाटक है। नाटक? हाँ, विश्वास नहीं आता आपको। एक मिनट, मधु बेटी जरा यहाँ आना, जरा वो अंगूठी बताना। यही है ना वो मंगनी वाली अंगूठी? ये मंगनी मैंने तोड़ दी है। डैडी, ये मंगनी मैंने तोड़ दी है, सुन लिया आप लोगों ने? ये मंगनी मैंने तोड़ दी है। सुखराम! नहीं बेटा, नहीं नहीं, मत रोको मुझे। कसम तुझे, मेरी कसम, मेरी कसम तुझे, तू कुछ नहीं बोलेगा, बस बस। सुखराम जी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर तुम अपनी इज्जत और खैरियत चाहते हो तो एक शब्द बोले बिना यहां से बाहर निकल जाओ। मैं इस भरी महफिल में सबके सामने ऐलान करता हूं कि मेरे परिवार का तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने मंगनी तोड़ दी और रिश्ता तोड़ दिया। अपने खुद इतने सारे मेहमानों को बुलाया और फिर उन सब के सामने उन्हें इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। क्या हुआ, क्या है डैडी? तुम अपने कमरे में जाओ बेटी। नहीं डैडी, मैं जॉब सुनकर ही जाऊंगी। डैडी, उस वक्त जब मैं विजय से नफरत करती थी तो आप ही ने मुझे बताया था कि वो कितना अच्छा लड़का है और उससे अच्छा जीवन साथी मुझे 10 जन्म में भी नहीं मिल सकता। और जब मैं राजी हो गई तो आखिर ऐसी कौन सी बात होगी डैडी? और विजय, मैं अपने से कौन सी खराबी देख ली जो ये शादी होने से पहले ही तोड़ दी? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं कोई जरूरी नहीं समझता। मगर मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए डैडी, आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे लिए मेरा सिर्फ इतना ही जवाब है बेटी कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारी भलाई किसमें और तबाही किसमें है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ और भूल जाओ कि विजय नाम का कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में कभी आया भी था। जाओ। मलिक, मलिक ये सब क्या? बस, अगर तुम भी
रही भाई, सवाल पूछने आई हो। जब तक मधु पूछ रही थी तो मेरी तरफ से तुम्हें भी कोई जवाब नहीं मिलेगा, जाओ। लेकिन ये तो जुल्म है मालिक। शांति, ये बात कभी मत भूलना कि तुम मधु की माँ नहीं, नौकरानी हो। नौकरानी सिर्फ तनख्वाह की हकदार हो, इस घर की हिस्सेदार नहीं। आइंदा मुझसे सवाल पूछने से पहले अपनी हैसियत याद कर लेना, जाओ। कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मधु का बाप जो इतनी इज्जत और तमीज से पहले पेश आया, अचानक भरी महफिल में सबके सामने हमें इस तरह जलील करके बाहर निकाल देगा, यकीन नहीं आता। लेकिन डैडी, इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा डैडी कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें ये मंगनी तोड़नी पड़ी। और अगर उसे ये रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर उसे खुद इस रिश्ते को यहाँ लेकर आने की जरूरत ही क्या थी? वाह अंकल वाह, क्या शॉट मारा है! और इससे भी अच्छा शॉट तो आपने कल मारा था पार्टी में, विजय और मधु का रिश्ता तोड़कर। मान गए अंकल, मान गए। परख है अपने और पराए की, अच्छे और बुरे की परख है आपको। और विजय तो खोटा सिक्का लगता है, और आपकी बेटी खरा सोना। और भला खोटे सिक्के से खरे सोने का मेल कैसे हो सकता? और अंकल, आपने उन लोगों के मुंह पर जो चांदी का जूता मारा है ना, देखना देखना उसके बाद वो लोग आपके घर की तरफ रुक कभी नहीं करेंगे। हाँ, ये अंदर जा। मेरी मोहब्बत को, मेरे घर की इज्जत को बेइज्जत करने की वजह जानने आया हूं मैं। लकड़ी की तीली में बारूद लगाओ तो थोड़ी सी रगड़ से आग लगी जाती है। जब आग ही लगानी थी, मधु और मेरे रिश्ते को जलाना ही था, तो फिर हम दोनों के प्यार को स्वीकार क्यों किया आपने? मंगनी की रस्म रखने की जरूरत क्या थी आपको? दुनिया है, होता है। कभी कभार जहर को भी अमृत समझकर पीना पड़ता है बेटे। मैंने जहर पी भी लिया और उगल भी दिया। पहलिया सुनने का शौक नहीं है मुझे। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर रिश्ता तोड़ना ही था तो उसे जोड़ने का इतना बड़ा ढोंग क्यों रचाया आपने? मेरे माँ बाप के दिलों को ऐसी ठेस क्यों पहुंचाई आपने? मेरे दद्दू की आंखों में आंसू क्यों छलकाए आपने? बोलो, जवाब दो। इतनी गहरी चोट देने का क्या अधिकार था आपको? मैंने तुमसे एक सवाल किया है। दूंगा विजय, लेकिन मेरे जवाब पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तुम्हारी जुबानी जो जो मैंने सुना वो सुनकर मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी ये तड़प, तुम्हारे माँ बाप का दर्द, तुम्हारे दद्दू की आंखों में आंसू, यही तो मेरे जख्मों का मरहम है। मैंने ऐसा क्यों किया इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जवाब देगा तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दद्दू, वो घर जवाब देगा जिस घर से तुम ये सवाल लेकर आए हो। ये फाइल लेकर जाओ और अपने बाप को दिखाओ, उसके बाद दोबारा मुझसे कभी सवाल करने की जरूरत नहीं करोगे। और मेरी बेटी के रास्ते में आने के बजाय अपने रास्ते बदल लोगे। मधु की जिंदगी का क्या ताल्लुक है? डैड, आपकी ये खामोशी मेरे दिल में हजारों सवालों का तूफान पैदा कर रही है। कल उसने भरी महफिल के सामने हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। ऐसा कौन सा गुनाह किया है आप लोगों ने जिसका इकरार भी नहीं कर सकते? डैडी, आपकी खामोशी आपके जुर्म का ऐलान कर रही है। मेरे मन में शक हो रहा है,
मुझे जवाब तो दो। क्या मैं ये समझ लूं कि आप गुनहगार हैं, सुखराम के दोषी हैं? बस बहुत जहर उगल चुका तू। एक लफ्ज भी आगे बोला तो हलक से जबान खींच लूंगा तेरी मैं। हमने बड़े अरमानों से पाल पोस के तुझे बड़ा किया, लेकिन तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने बाप से ऐसे बेहुदा सवाल करेगा। क्या जानना चाहता है तू? तू सच्चाई के चेहरे से चादर हटाना चाहता है? हकीकत के आईने में सच्चाई की सूरत देखना चाहता है? तो मुझसे पूछ, मैं दिखाता हूँ तुझे वो सूरत। मैं तुझे बताता हूँ कि उस वक्त क्या हुआ था। नहीं नहीं डैडी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आज मुझे मत रोक, वरना सारी जिंदगी एक बाप को अपने बेटे के सामने मुजरिम की तरह सर झुका के खड़ा रहना पड़ेगा, और इसको इतनी बड़ी सजा मैं नहीं दे सकता। बेटा, आज मैं तुझे सच्चाई का एक एक शब्द बता दूंगा, लेकिन इससे पहले कलेजे को पत्थर। आज से 20 साल पहले ये तेरे बाप का चेहरा ऐसा नहीं था, बिल्कुल तेरे जैसा था। चेहरा मैंने बदला, हाँ मैंने, लेकिन ये चेहरा बदलने की नौबत क्यों आई वो भी सुन ले बेटा। हाय बेबी, मैं पास के टेबल से गुजर रहा था, मुझे लगा कि कोई फूल महक रहा है। पलट कर देखा तो मन चंचल हो गया। मन करता है इस फूल को थोड़ा सा सूंघ लूं, थोड़ा सा चूम लूं। वाह, तुम्हारा गुस्सा तो मुस्कुरा रहा है, गुस्से में भी मुझे प्यार से बुला रहा है। एक्सक्यूज मी, कौन है बे? अंधे आशिक को रोशनी दिखाने वाला। पराए औरत और पराए दौलत पर नजर नहीं डालनी चाहिए। अपनी तो आदत है, दौलत हो या औरत, नजर पड़ जाए तो छुए बगैर छोड़ते नहीं। देख, अगर तूने इसे छुआ तो फिर जिंदगी भर किसी को छूने के लायक नहीं रहेगा। मैंने क्या कहा था? इसे छूना मत। इसी हाथ से उसे छुआ था ना? शादी सर पे आ गई है, मुश्किल से 10 दिन बाकी हैं, सारे काम अधूरे पड़े, आज जाना ही पड़ेगा। यार डॉक्टर, अगर 2 दिन और रुक जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तू समझता क्यों नहीं यार, शादी में 10 दिन कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और फिर अपने बच्चों की शादी है, इनमें तो मैं कोई कसर छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मुद्दतों बाद अपने घर में खुशियों की शनाइयां बज रही हैं, ये खुशी तो हम बड़ी धूम से मनाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अच्छा अच्छा भाई साहब। क्या कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ लोग हैं जिन्हें आपके घर का पता नहीं मालूम था, सो घर दिखाने के लिए मुझे उनके साथ आना पड़ा। कौन लोग? कौन है ये लोग? हम उसके भाई हैं जिसकी मौत की वजह तू है। तो
हमारे एक भाई को मौत की नींद सुला दिया, मगर आज हम तेरे पूरे खानदान को मौत की नींद सुलाने आए हैं। खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की तो अरे मैं लगा दो और इन मुर्दों के साथ इसको जिंदा जला दो।
बड़ा बदनसीब है जो मेरे चारों भाइयों की मौत बन गया। लेकिन तू घबरा मत, तू जिंदा रहेगा, लेकिन तेरी हर सांस से मैं जिंदगी नोचता रहूंगा। तू जिंदा रहेगा रोज एक मौत देखने के लिए। तलाश करो इसे, भाई मेरे मरे हैं, लेकिन जिंदगी भर मातम ये मनाएगा। ये सब जो तूने किया ये नहीं करना चाहिए था। और जो मेरे साथ हुआ वो क्या होना चाहिए था? याद है ना, एक हर किस तरह हंसता मुस्कुराता था। यह अंजाम हुआ उनका। राख में मेरे माँ बाप की अस्थियां हैं, इस राख में मेरे चाचा चाची के अंश हैं। ऐसे खाक होते हुए देखा है आपने किसी आबाद दुनिया को? ये सांस अपनी जिद पर चल रही है, पर मर तो मैं भी चुका हूं। मर चुका है, कौन मरने देगा तुझको? अरे मैं मौत को मार दूंगा। तू मेरे दोस्त की निशानी है, मैं खुद मिट जाऊंगा मगर तुझको मिटने नहीं दूंगा, याद रखना। क्या कर पाया कोई? देखते देखते सब कुछ उतर गया। देख बेटा, ये जो तेरी सांस चल रही है ना, ये सांसें मुझे दे दे, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस 24 घंटे तेरे पीछे लगी हुई है। उन हैवानों के रिश्तेदार हर घड़ी साए की तरह तेरे पीछे लगे हुए हैं, और जब तक तेरे चेहरे पर ये शक्ल लगी रहेगी ना, तुझे नई दुनिया बसाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस जन्म में तो तू इस शक्ल के साथ नहीं जी सकता बेटा, समझ जा इस बात को। इसलिए मुझे ये शक्ल बदल लेने दे, मैं बदल दूंगा इस शक्ल को। कोई फायदा नहीं, और फिर अब जीने का दिल ही नहीं करता। अपने दिल के मुताबिक ही करना, तू औरों के दिल की कभी मत सोचना। यहां मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हूं, और इधर तू मेरे तन पे विधवा की साड़ी डालना चाहते हो। अजय प्लीज, डैडी जो भी कह रहे मान जाओ ना, वरना मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने मौत की तरफ कदम बढ़ाया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आई मीन इट। ले चलिए मुझे जिंदगी की तरफ, दे दीजिए मेरी हस्ती को नई शक्ल।
तेरे दद्दू और तेरी माँ ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कब का मर चुका होता, कब का। मैं तेरे बाप का चेहरा तो बदलने में कामयाब हो गया, मगर कुदरत के आगे किसकी चलती है, उसने तुझे तेरे बाप का चेहरा देकर फिर इस दुनिया में भेज दिया। इसीलिए सुखराम को पता चल गया कि तेरे बाप ने अपने असली चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा रखा है, और इसी कारण वो अपने गुनहगार भाइयों का बदला लेने के लिए तेरे मेरे हम सबके जज्बात से खेलने लगा, और हम सब सहते रहे, सिर्फ सहते रहे। दुश्मन टूट जाता है, हार जाता है, तो दुश्मन के घर चला आता है, जैसे तुम लोग आ गए। आओ सुखराम जी, दुश्मनी तो आग की तरह होती है, जिसमें जलने वाला तो जलता ही है, मगर जलाने वाले को भी शांति नहीं मिलती है। मिलती है, बहुत शांति मिलती है। उस दिन पार्टी में तुम लोगों की बेइज्जती करके मेरे मन को बड़ी शांति मिली है। मानो इस दुश्मनी की जलती हुई आग को कई सालों तक जलने के लिए हजारों लीटर पेट्रोल मिल गया है। अब तो जब तक ये सांस चलती रहेगी ना, ये दुश्मनी की आग भी चलती रहेगी। हमारी दुश्मनी की बुनियाद तुम्हारे भाइयों की बनाई हुई है। देखो, पुरानी दुश्मनी भूल जाओ, तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे के रिश्ते को जोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुमने तो तुम्हारी शक्ल बदल दी, मगर तुम्हारा राज खोल दिया तुम्हारे अपने ही बेटे ने। जिस दिन कॉलेज में मैंने उसकी शक्ल देखी, तो तुम्हारी शक्ल मेरी आंखों में उतर आई, और बदले की भावना जो मर चुकी थी, सो चुकी थी, फिर किसी अजगर की तरह जाग गई। अब तो जब तक मैं जीऊंगा तुम्हारी खुशियों को निगलता रहूंगा। आपका पोता मेरी बेटी के प्यार में तड़पता रहेगा दद्दू जी। आपके पोते की वो तड़प, उसका दर्द, उसके आंसू, उसकी चीखें, आपका पछतावा, यही मेरा इंतकाम होगा। मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगा। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी तो सांप नेवले की दुश्मनी है। चैन और सुकून से बहुत जी लिए तुम लोग। अब तुम्हारी नींद हराम करने के लिए मैं आ गया हूं। सुखराम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे दामाद की दुश्मनी का बदला मेरे पोते से मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं। जब बाप का कर्ज बेटा चुकाता है, तो बाप के किए हुए कर्मों का फल भी वही भुगतेगा ना। क्यों सुखराम जी, कर्मों का फल भुगतने की सजा सुनाने वाले आप कौन होते हैं? जितने मेरे पिताजी आपके भाइयों के कत्ल के जिम्मेदार हैं, उतने ही आपके भाई, आपका परिवार मेरे परिवार का गुनहगार है। गुनाह करने वालों ने गुनाह किया और बदला लेने वालों ने बदला लिया। वाह बेटे वाह। और जहां तक मेरी और मधु की मोहब्बत का ताल्लुक है, सारी दुनिया से मिलकर भी नहीं रोक सकती। तुम्हारी अकेले की क्या औकात है? तुम भी हार जाओगे सुखराम, और तुम्हारी ये हार तुम्हें जीने नहीं देगी, और उस हार का कारण मैं बनूंगा। बस ये समझ लो कि मोहब्बत के एक दीवाने ने तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। चलिए दद्दू, कहां जा रही हो? जिस घर से आपने मेरा रिश्ता जोड़ा था वहां, जिस घर की मुझे बहू बनाने का आपने फैसला किया था वहां,
टूट गया वो रिश्ता, बदल गया वो फैसला। आपके फैसले से मैं अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती डैडी। तू नहीं जानती उस परिवार को, उनकी असलियत को। मैं जान चुकी हूँ सब कुछ, मगर 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी कसूर ना तो मैं हूँ और ना ही विजय। वो नफरत और बदले की एक जंग थी डैडी, और फिर आप लोगों की नफरत की दुनिया से हमारे प्यार की दुनिया का कोई लेन देन नहीं। और फिर जहां तक मैं समझती हूँ, आपके भाई को सरवार थे। वारी मोहब्बत वाह, आज मेरा खून मेरे ही खिलाफ बोल रहा है। ठीक है बेटी, तुझे जाने से तो मैं नहीं रोकूंगा, मगर इस घर के बाहर कदम रखने से पहले एक बात कान खोल के सुन ले। तेरे जाने के बाद मुझे पुलिस को सिर्फ एक फोन करने की देर होगी। उन्हें यह बताना होगा कि मेरे भाइयों का कातिल, जिसको पुलिस आज तक तलाश कर रही है, वो तेरे प्रेमी का बाप है। उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना हुलिया बदलकर कानून को 20 साल तक धोखा दिया है। इसके बाद पुलिस वाले विजय के पिता का क्या अंजाम करेंगे, कानून उनका क्या हशर करेगा, वो तू जाने। लेकिन इसका सहरा सिर्फ तेरे ऊपर होगा बेटी। सोच ले, अपने बाप का घर छोड़कर प्रेमी का घर बर्बाद करना है, विजय का घर बसाने से पहले ही उजाड़ देना है, या चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाना है। फैसला तेरे हाथ में है, सोच ले। मधु, 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 क्या है? मधु, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। टोली और बारात तो नहीं है, मगर तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने के जो वादे किए थे, वो वादे अपने साथ लेकर आया हूँ। साथ जीने मरने की जो कसमें खाई थी, वो कसमें अपने साथ लेकर आया हूँ। मधु, चलो। किसके साथ चलूं? तुम्हारे साथ, जो मेरे डैडी के दुश्मन का बेटा है। कहाँ ले जाओगे मुझे? उस घर में जहाँ मेरे चाचाओं का कातिल रहता है। अब मैं समझी तुमने मुझसे प्यार क्यों किया था। मुझे अपना बनाने के लिए नहीं, मेरे डैडी को सबक सिखाने के लिए। नहीं मधु, ये गलत है। मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझ पर जुल्म ढाने के लिए, मेरे डैडी को खून के आंसू रुलाने के लिए तुमने अपने माँ बाप और दद्दू के साथ मिलकर ये झूठी मोहब्बत का नाटक खेला था। मधु, मैं तुम्हें कल भी चाहता था और आखिरी सांस तक चाहता रहूंगा। बंद करो ये प्यार का नाटक। अच्छा हुआ जो मेरे डैडी ने तुम्हारे चेहरे में वो पापी चेहरा पहचान लिया जो मेरे परिवार का कातिल है। मोहब्बत के नाम पे मुझे बहुत धोखा दे चुके हो, मकर चाल बाज फरे भी, मगर अब तुम्हारी कोई भी चाल मेरे दिल पर काम नहीं करेगी। मेरे दिल से, मेरी दुनिया से मिट चुके हो तुम। कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के। Thank you.
लोगों के दिल पत्थर के हो जाते हैं, मगर आप तो सर से पांव तक पत्थर बन गए हैं। अपने बेटे के दुश्मन बन गए हैं आप। उसकी जिंदगी को, उसकी खुशियों को कुचल डाला है आपने। क्या बकवास करती हो? आप खुद के लिए जीने वाले एक खुदगर्ज इंसान हैं, लेकिन मैं खुदगर्ज नहीं हूं, क्योंकि मैं एक माँ हूं, दाई माँ। आपकी बेटी को मैंने अपने सीने से लगाकर औलाद की तरह पाला है, इन हाथों से बड़ा किया है मैंने उसे, उस पर अपनी ममता निछावर की है। आपको तो पता भी नहीं मालिक कि वो इतने से इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि कभी आपने उसे अपनी गोद में खिलाया ही नहीं। तो फिर आज अपना खेल खेलने के लिए, अपनी पुरानी दुश्मनी की जंग लड़ने के लिए आपने मेरी बेटी को हथियार कैसे बना लिया? अरे विजय के पिता से तुम्हें अपनी दुश्मनी का हिसाब चुकाना है, अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है, तो जाओ उठाओ बंदूक और खेलो खून की होली। लेकिन अपनी बेटी के आंसुओं से क्यों खेल रहे हो? क्या कहा? क्यों चुप गई ना सच्चाई की सुई कलेजे में? अरे मैंने अपनी जिंदगी में इतना कमजोर बाप कभी नहीं देखा। याद रखिए मालिक, औरत को हथियार बनाकर जंग लड़ने वाला मर्द मर्द नहीं होता। चुप कर। तो दो कौड़ी की काम वाली अपनी औकात भूल गई जब मेरे सामने जबान चलाती है? बस सेठ जी बस। वाह, खरगोश के भी सिंह निकल आए। हर रात का सवेरा होता है और आज मैं भी जा गया हूं। खबरदार, अब जो मेरी मां पर हाथ उठाए तो मेरा नमक खाकर मुझसे नमक हरामी करेगा तू? जितना नमक खाया है उससे हजार गुना ज्यादा उस नमक का हक चुकाया है मैंने। अगर कभी हिसाब करोगे तो हमारा ही आप पे कुछ निकलेगा। चल बेटा। नहीं तो कल सुखराम आपकी असलियत पुलिस को जरूर बता देगा, और मैं आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। और इससे पहले कि ये नौबत आए, हमें शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। कब तक? आखिर कब तक हम भागते रहेंगे? क्या विजय मधु के प्यार को भूल सकेगा? वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है जी। वो और जख्म होते हैं जिन्हें वक्त का मरहम भर दिया करता है, मगर पहले प्यार का जख्म दुनिया का कोई मरहम भर नहीं सकता है बेटी, बल्कि वो खंजर बनकर अंदर ही अंदर सीने को कुरेदता रहता है। देख बेटी, अगर अपनी औलाद से प्यार करती है तो कभी भूल कर उसके प्यार को छीनने की कोशिश मत करना, वरना तुम यहां? मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई हूं बेटा। उस दिन मधु ने जो कुछ भी कहा अपने पिता के दबाव में आके कहा। अगर उस दिन मधु मालिक की जबान में बात न करती तो वो तुम्हारे पिता को गिरफ्तार करवा देते। मधु कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुम उसे न मिले तो वो मर जाएगी। सुना बेटा, क्या कह रही है तू? उसे क्या समझता था, वो क्या निकली? उसने इस घर में कदम रखने से पहले इस घर पे एहसान करना शुरू कर दिया, इस घर की बहू बनने से पहले बहू का धर्म निभाना शुरू कर दिया। इसलिए अब तो मेरी ये जिद है, मेरे और तेरे
बाप का ये हुक्म है कि अगर कोई लड़की इस घर की बहू बनेगी तो सिर्फ वो बनेगी। मैं अपने प्यार की खातिर अपने बाप की कुर्बानी नहीं दे सकता। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी और हमारी बहू को घर न ले आया तो मैं खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। शांति जी से मिल चुका हूं, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। तुम्हारे प्यार की कुर्बानी मेरे पिताजी की जिंदगी नहीं बन सकती है मधु। अगर मैंने तुम्हारी मांग न भरी, तुमसे शादी न की, तो मेरे पिताजी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। चलो मेरे साथ मधु, चलो। चाहे तो ले ले।
के जैसा तेरा दिल हम संभालेंगे। तुझे देने को मेरे पास कुछ नहीं, तुझे देने को मेरे पास कुछ नहीं, एक दिल है चाहे तो ले ले, एक जान है चाहे तो ले ले। ला 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 गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबु फल चारु भक्तनम। जी 3 घंटे हो गए, कितने श्लोक पढ़ोगे, जल्दी करो। नहीं करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्य श्री स्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नाथ। फेरे अभी हुए नहीं तो ओम सामने से सिंदूर भरने की भी हिम्मत रखता हूं मैं। इतना ही नहीं, आपकी आंखों के सामने 7 फेरे लेने की भी हिम्मत रखता हूं। अगर आप आशीर्वाद एक बाप की हैसियत से देने आए हैं तो मैं आपके चरण छूलूंगा, लेकिन अगर आप एक दुश्मन की हैसियत से आए हैं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ बन सकता है या फिर सब कुछ मिट सकता है। आपकी बेटी विधवा भी हो सकती है या अनाथ भी, फैसला आपके हाथ में है। अंकल, आपकी समस्या दूर करने के लिए आपका ये गुलाम आ गया है। रवि, खून से हाथ रंगने का यह शुभ कार्य मुझे सौंप दीजिए। अरे नीच, ये क्या किया तूने? बहुत सही काम किया है माँ। आज मैंने अपने रास्ते का पत्थर हटा दिया। बरसों से जो सपना मैं दिन रात देखता आ रहा था, आज उस सपने को साकार होने का समय हो गया है माँ। आज इस मंदिर में इसी अग्निकुंड के सामने यही पंडित मधु से मेरी शादी कराएगा। क्या कहा? 2 कौड़ी के नौकर तेरी यही? हाँ, तो तुम क्या समझ रहे थे कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारे सामने बिना किसी लालच के कुत्ते की तरह मुफ्त में
दुम हिला रहा था। अरे इस कुत्ते की निगाह तो इस हड्डी पर थी। तू इतना नीचे गिर गया, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुझे अपने दूध की जगह जहर पिलाती। बस मां, मार डालती तुझे। अगर तू मेरे बीच में आई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। चला। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसके चिथड़े उड़ा दूंगा। चला। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर। चल। सुखराम, मुझे ये शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे चल। अरे क्या उठेगा विजय? चल। उसको बचाने की कोशिश की तो उसकी जान का दुश्मन बन गया, उसको जान से मारने लगा और फिर उसके बाद अपनी गलती से ठोकर खा के एक नुकीली चीज पे गया और खत्म हो गया, मर गया। मगर दूसरे तेरे दूसरे भाइयों ने हमारी जिंदगी जहन्नम कर दी। मेरे दोस्त को मार डाला, उसकी बीवी को मार डाला, उसका घर जला डाला। मेरे दामाद को सारी जिंदगी चेहरा बदल कर जीना पड़ा तेरी खानदान के कारण। और ये है कुदरत का तमाचा कि तेरे ही पाले हुए एक नमक हराम कुत्ते ने आज तेरी बेटी की आबरू पे हाथ डाला और उसको मेरे पोते ने बचाया। इससे बड़ा और कोई सबूत चाहिए? अब भी वक्त सुधर जाओ, वरना वो ऐसा तमाचा मारेगा कि जिंदगी में सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। आपका गुनहगार हूं, मैंने आप लोगों पर बहुत जुल्म किया है। मुझे जो मन भाए सजा दीजिए, लेकिन मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे अब तक है
है पूरी आजादी, अब तक है पूरी आजादी, मंगनी हुई है नहीं ये शादी, कल है कच्ची पक्की जा छेड़ी की दुखी।